हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 41 करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हैं, वर्ड रूट्स हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला वर्ड रूट है बोविस। बोविस मतलब होता है ऑक्स या फिर काऊ। लियो, लियो मतलब लायन। कैनिस, कैनिस मतलब डॉग। फिलिस, फिलिस मतलब कैट। पोर्कस, पोर्कस मतलब पिग। वल्पस, वल्पस मतलब फॉक्स। अर्सस, अर्सस इज बियर। ल्यूपस, ल्यूपस इज वुल्फ। इक्वस, इक्वस मीन्स हॉर्स। और पिसीज, पिसीज मतलब होता है फिश। और इन, इन जो हमारा होगा सफिक्स, वो हम उसका मतलब होगा हमारा लाइक या फिर सिमिलर टू, के जैसा। तो पहला वर्ड है हमारा आज का बोविन। बोविन मतलब लाइक अ काऊ, मतलब गाय जैसा, एकदम काल्म, पेशेंट, ज्यादा कुछ नहीं बोलना, तो उसको बोलेंगे हम बोविन। लाइक अ काऊ, पेशेंट एंड काल्म। दूसरा वर्ड है लियोनिन। लियोनिन लाइक अ, लियो मतलब क्या पढ़ा हमने, लायन। तो लियोनिन लाइक अ लायन, इन एन अपियरेंस, या तो देखने में शेर जैसा दिख रहा हो या उसका गुस्सा शेर जैसा हो, तब हम उसको बोलेंगे लियोनिन। तीसरा वर्ड है हमारा आज का कैनिन। कैनिन, अभी हमने कैनिस, कैनिस मतलब क्या पढ़ा, डॉग, तो कुत्ते। तीसरा वर्ड है हमारा कैनिन, कैनिस मतलब डॉग, तो लाइक अ डॉग। जैसे हम बोलते हैं कैनिन टीथ, तो वो कैसे होते हैं, डॉग जैसे टीथ होते हैं, इसलिए हम उनको कैनिन टीथ बोलते हैं। फिर होता है फेलिन, फेलिस मतलब हमने कैट पढ़ा, और फेलिन मतलब कैट लाइक, की बिल्ली जैसा, उसकी आवाज अगर वैसी है ऐसा कुछ, तो फिर हम फेलिन बोल सकते हैं। उसके बाद आता है पोर्सिन, पोर्सिन मतलब पिग लाइक। और उसके बाद आता है वल्पिन, वल्पस मतलब हमने क्या पढ़ा है, फॉक्स, तो फॉक्स के जैसा, तो फॉक्स लाइक। अर्सिन, अर्सिन मतलब, अर्सस मतलब बियर, तो अर्सिन मतलब बियर लाइक, भालू के जैसा। जैसे हम बोलते हैं अर्सा मेजर, अर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशंस होते हैं वो हम पढ़ते हैं, तो उनका शेप कैसा होता है, बियर जैसा होता है, इसलिए उनको बोलते हैं अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। फिर आता है आठवां वर्ड ल्यूपिन। ल्यूपिन मतलब होता है ल्यूपस, ल्यूपस मतलब फॉक्स, तो ल्यूपिन मतलब हो गया फॉक्स लाइक, अरे सॉरी, वुल्फ लाइक। उसके बाद आता है इक्विन, इक्वस मतलब फॉर्स पढ़ा हमने, हॉर्स, तो इक्विन, इक्विन मतलब हॉर्स लाइक, घोड़े जैसा, है ना। पिसिन, पिसीज मतलब फिश, तो पिसिन मतलब फिश लाइक, मछली जैसा। अब आता है हमारा दूसरा नेक्स्ट वर्ड रूट यहाँ पे नोस्टोस। नोस्टोस मतलब रिटर्न, पीछे का देखना, है ना, रिटर्न लेना। एल्गोज, एल्गोज मतलब पेन। तो इन्हीं दो वर्ड रूट से मिलकर बना है हमारा वर्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जब हम पुरानी चीज़ें याद करते हैं और जो उससे अटैच होते हैं, इमोशनल पेन होता है, प्लेजर होता है उसको देखने में कि ऐसे हुआ करता था, वैसे हुआ करता था, तो उसको, उस पर्टिकुलर फीलिंग को हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग लिखी है द प्लेजर, इमोशनल पेन एंड लॉन्गिंग व्हेन यू बिगिन टू रिलिव द प्लेजेंट ऑकरेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर पास्ट। एडजेक्टिव होता है नॉस्टैल्जिया का, नॉस्टैल्जिक। अब हम पढ़ेंगे नया वर्ड रूट कैकोस। कैकोस मतलब होता है बैड, हार्श और अगली, खराब सा। फोन, फोन मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं साउंड। यू, यू मतलब गुड। और जाइलो वर्ड रूट है, उसका मतलब वुड। तो इन सब वर्ड रूट से बनके बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे हम। पहला वर्ड है हमारा कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब, कैको मतलब क्या होता है, बैड और अगली, फोनो मतलब फोनी, फोन मतलब साउंड, तो फोनी मतलब साउंड, तो अगली साउंड, या जो हम सुनने में अच्छा नहीं लगे, अनम्यूजिकल सा, तो वो होता है कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मतलब अनम्यूजिकल ईयर ऑफेंडिंग नॉइजेस। फिर होता है टेलीफोन। टेलीफोन, टेली मतलब डिस्टेंस होता है, तो टेलीफोन साउंड फ्रॉम अफार। दो लोग हैं दूसरी डिस्टेंस में और बात कर रहे हैं थ्रू टेलीफोन। फिर होता है यूफोनी। यू मतलब गुड, फोनी मतलब साउंड, तो अच्छा साउंड आएगा, प्लेजेंट साउंड, दैट इज यूफोनी। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनोग्राफ। फोनो मतलब साउंड, ग्राफ मतलब राइट, टू राइट, ग्राफीन टू राइट हमने पढ़ा है पिछले सेशंस में। तो फोनोग्राफ, राइटर ऑफ साउंड, जो साउंड को लिखे, दैट इज फोनोग्राफ।
उसके बाद होता है सेक्सोफोन। सेक्सोफोन एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इन्वेंट किया था एडोल्फ सैक्स ने। तो सेक्सोफोन से आवाज आती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है जाइलोफोन। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो भी है जिससे आवाज निकलती है, पर ये वुड से बना होता है। जाइलो मतलब वुड पढ़ा हमने, और ये वुड से बना होता है और उससे साउंड निकलता है। तो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साउंड थ्रू वुड, तो हो गया जाइलोफोन। दूसरा नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनेटिक्स। फोन मतलब साउंड, एक्स मतलब स्टडी। तो फोनेटिक्स द साइंस ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। जब हम किसी बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे वर्ड्स होंगे, है ना, साइंस मतलब फोनेटिक्स। फोनेटिक्स फोन मतलब साउंड, एक्स मतलब स्टडी, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, द साइंस ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो साउंड जो लैंग्वेज जैसे साउंड करता है उसको पढ़ना कैसे हुआ, कहाँ से आया, ऐसा करके, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। एडजेक्टिव इसका होगा फोनेटिक, और जो इसका एक्सपर्ट होता है, जो इसको पढ़ता है जानता है, उसको बोलेंगे हम फोनेटिशियन। तो आज पार्ट वन का आखिरी वर्ड है फोनिक्स। फोनिक्स मतलब द साइंस ऑफ साउंड और द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग बाय प्रैक्टिसिंग द साउंड ऑफ लेटर्स एंड सिलेबल्स। अब आप फोनेटिक्स और फोनिक्स में क्या डिफरेंस होगा, फोनेटिक्स होती है उसकी स्टडी, है ना, और फोनिक्स होता है किसी को पढ़ाना बताना कैसे। जैसे कोई बच्चा जब बड़ा होता है उसको हम पढ़ाते हैं कि ऐसे वर्ड्स बने हैं, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ाना कैसे बना वो, क्या प्रोनंसिएशन होगा उसका, तो ये सब होता है फोनिक्स। अब पार्ट टू हम बाद में देखेंगे।